मैं कहूँ एक नौजवान जो यही गुलुत्ते मेंडर से है, वो एक फिटनेस पीक है जो अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है, एक पॉपुलैरिटी भी उसकी, उसको कल जिस तरीके से मैं कहूँगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, आज पूरा हिंदुस्तान इसको लेकर दुखी है। मैं सच बताऊं, मेरी अम्मी और मैं रात को सो नहीं पाए, उसकी जब उसकी सिस्टर्स, उसकी चार बहनें हैं, उसकी बहनों की जब वीडियो देखी, उसकी अम्मी की वीडियो देखी, तो हम लोग सो नहीं पाए। मगर क्या होता है, एक शख्स जब वो कहते हैं कि अगर भाई ये भैया ये गाड़ी जो है सीएम सिक्योरिटी के अंदर गई, उसने अंदर जाके तोड़फोड़ की, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब ये वीआईपी लोग, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई और शख्सियत हो, जब ये लोग गुजरते हैं तो इनकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत होती है कि कोई माइक अलार्म उनको छू नहीं सकता। उस वीआईपी हाउस के अंदर, मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, वीआईपी हाउस के अंदर गाड़ी कैसी चली गई, वो मुर्फाद शाह कैसे चला गया, ये एक सवाल उठता है। ये सवाल ये है कि इसको प्लान मर्डर किया गया है, जानबूझ के मारा गया है, ये एक वेल प्लान मर्डर है। और अफसोस है हम लोगों पर, पूरे हिंदुस्तान पे आवाजें उठना शुरू हो गई है, मगर हमारा मेंडर, क्योंकि वो हमारे मेंडर का ही बच्चा है, अभी तो पूरे हिंदुस्तान ने उसको अपना भाई और बेटा मान लिया, मगर अफसोस कि हम लोग, चार गाड़ियां रुकी नहीं है, लोग यहाँ पे देख के जा रहे हैं, इसको परवाह नहीं है। परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता साहब, तो हमें परवाह नहीं होती। अरे नारे दो हम लोगों पर, इस तरीके से जो हो रहा है उसके साथ जो हुआ, नहीं करती, नहीं चलेगी, नहीं करती, नहीं चलेगी। क्या चाहते हैं इंसाफ, साफ क्या है, झुकना पड़ेगा। जो उसके साथ हुआ, अल्लाह की कसम, उसके घर में हालत देखो, कुछ साबित नहीं हो रहा, सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे भैया? अगर तुम सीधे साबित होते हो तो अपने सीसीटीवी फुटेज जाकर पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को दो, तुम लोग क्यों नहीं दे रहे? अगर गोलियां दो चली, दो गोलियां चलने की आवाज आई तो चार गोलियां कैसे लग गई? और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनको ये राइट दिया गया है कि अगर आपको शूट करना है तो यू हैव टू शूट ऑन द लेग, आपको लेग पे शूट करना होता है, हाउ दे कैन शूट ऑन द चेस्ट। ये कानूनी तौर पे भी ये गलत हुआ है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, उस पर्सन के पास एक वेपन तक नहीं था। इसलिए मैं कहूंगा हमें चाहिए इसके लिए आवाज उठाए, और ये पूरे लोग जो यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग आते हैं जिनसे साथ नहीं आ रहे, सबको साथ आए, यहाँ रुके और इसके लिए आवाज उठाए। यहाँ कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये हक का मसला है, और हक के लिए आवाज उठाना हर मोमिन पे फर्ज है। याद रखो, अल्लाह तुमसे पूछेगा, अगर तुम ये इसका ये देख कर अनदेखा कर रहे हो तो अल्लाह तुमसे हशर में पूछेगा। और मैं बता रहा हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह को जवाब देना है, हम लोग जवाब के काबिल नहीं रहेंगे, और जो जवाब के काबिल नहीं रहेंगे उनका हशर क्या होगा सोच लेना है। इसलिए उसके लिए हक के लिए लड़ना है, उसके साथ इंसाफ चाहिए। अब वो तो वापिस नहीं आ सकता, मगर हाँ हम उसके माँ बाप को ये तसल्ली दिला सकते हैं, जब उसके साथ इंसाफ होगा, जिसने उसके साथ जुल्म किया, जब उसको फांसी दी जाएगी तो उसके माँ बाप को दिल में ठंडक जरूर पहुंचेगी। बस यही चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ जितने लोग यहाँ खड़े हैं, भागिएगा मत, ये एक दिन, ये दो दिन, ये दस दिन, अगर आप किसी के बेटे को इंसाफ दिलाते हैं तो याद रखिए, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होने के नाते ये दावा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इसका सवाब, इसका अजर जरूर मिलेगा। और जो एजेंसियां यहाँ सुन रही है, भैया आप इसको और एंगल मत दीजिएगा। मैंने जो कहा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मगर हक की आवाज उठाना हमारे संविधान में है, हमारे कानून में है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।